सुबह सुबह अली भाई के साथ हमारा ब्रेकफास्ट है। बिल्कुल। कितना बिल बना? यू नीड एटलीस्ट $1,00,000 फॉर फैमिली सेटलमेंट हियर। मैं जब शुरू में आया था, मैंने एक रियल एस्टेट पर बैठ के देखा था, यहाँ बहुत कंप्लेंट्स आती है क्योंकि कंज्यूमर लेवल बहुत हाई है यहाँ। बिल्कुल। ये स्मित कहलाती है यहाँ की, जो कि बड़ी फेमस है यहाँ। देखिए चॉकलेट वाला है, ये सादा है, ये स्मित है। स्मित भी 4-5 रुपए का भोग है, पहले तो और सस्ता। बिल्कुल, पहले 3 रुपए या 2 रुपए का था। आपको दिखाएंगे कि हम अपने मोबाइल ऑफिस में किस तरह वर्क करते हैं। यस, दिस इज अवर मोबाइल ऑफिस, आप चेक करें। यूजेल आबेज हियर। हेलो यूजेल। हेलो, हाउ आर यू निसलसन? So what is the impact after this incident on the property? People are asking us about the property, we should come or buy or not. So what is your idea? What is the property is now in Istanbul? दो तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, जंगल वाला कि सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं, और दूसरी तरफ जो जंगल का शहर है उसको कभी खाना मिलेगा कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। लेकिन जॉब लिविंग तो दे सकती है, लाइफ नहीं देती यार। लेकिन अगर जॉब ना करें और बिजनेस करें, बहुत तकलीफ है। कभी काम होगा और कभी काम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हस्ताना मरिंदुर की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज सुबह अली भाई के साथ हमारा ब्रेकफास्ट है। बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। इस वीडियो में मैं फारूक भाई का नाम लेना चाहूँगा। फारूक? नहीं, फारूक भाई। अच्छा, फारूक भाई कोई और? एक हमारे बड़े अच्छे कॉल आई थी मेरे पास अभी वीकेंड पे, तो हमारे व्यूअर थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें वॉच करते हैं। मैं उनसे बोला था मैं आपका वीडियो में लाजमी नाम लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच फारूक भाई फ्रॉम शहजादपुर फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। याद आया? अच्छा, सही 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 सही, शहजादपुर से। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं बट दे डोंट हैव एनी क्यूरीज, कुछ नहीं, बस वो देखने के लिए कि इस्तांबुल आप दिखा रहे हैं अच्छे तरीके से, हम महल्ला सिस्टम दिखा रहे हैं, यहाँ की चीज़ें दिखा रहे हैं। टूरिस्ट एरिया तो हर कोई दिखा रहा होता है। बिल्कुल सही है। अब जैसे आज हम बैठे हैं, सुबह सुबह हमने कहा चलो नाश्ते से शुरू करते हैं। बिल्कुल। बाहर लोग नाश्ते, यूजली यहाँ लोग नाश्ते जो है ना, जो वर्किंग क्लास होती है वो बाहर ही नाश्ता कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अभी भी अगर सिंगल है अभी या बंदा भी है औरत भी है, तो वो बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के बाहर नाश्ता करते हैं। इनका नाश्ता बड़ा सिंपल सा होता है, आप देख रहे हैं। आज हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा नाश्ता भी एक्सप्लोर करवा देते हैं। ये स्मित कहलाती है यहाँ की, जो कि बड़ी फेमस है यहाँ। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं स्मित फूड इस्तांबुल, तो आपको आइडिया होगा। और ये थोड़ा सा अली भाई बताएंगे। सर ये जो है ना, ये सादा बंद हमारा तरह का बंद है और ये चॉकलेट वाला है, चॉकलेट का। तो मैंने कहा जरा पूरा टेस्ट जो है ना वो आ जाए। हसनैन भाई को स्मित बहुत पसंद है। बिल्कुल सही है ना। तो नाश्ता कर रहे हैं और आपको साथ साथ फीडबैक भी देते हैं कैसी चीज़ें आएंगे इसमें। तो मैं खाता रहता हूँ, मेरी फेवरेट चीज़ है भाई ये। अच्छा, तिल लगी होती है इसमें, तो इट्स वेरी प्रोडक्टिव फॉर योर बॉडी। तिल, जो हजरात तिल को जानते होंगे उनको पता होगा, तिल बड़ी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है बॉडी के लिए। इनका नाश्ता कोई भी है ना हसनैन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इनके। यानी ये बंस और इसके अंदर जैतून मिला भी होता है, चीज़ मिला हुआ भी होता है, और पोटैटोज मिला हुआ भी होता है। इनके कुछ जो है ना दूसरे स्टाइल के होते हैं, जो जिसके अंदर वो पीता टाइप ले लें आप उसको, और मुख्तलिफ बोलते हैं ये लोग, तो वो पोर्शंस बना के रख रहे होते हैं। बिल्कुल, नॉट बैड। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात अली भाई, बेसिकली ये लोग ऑर्गेनिक फूड यूज़ करते हैं, ये मेन है। अच्छा, जिसकी वजह से इनके फूड का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट। जब हम पाकिस्तान से यहाँ आए तो ऑन दैट टाइम हमें बहुत बड़ा टेस्ट में डिफरेंट लगा। बहुत ज़्यादा टेस्ट। यानी यहाँ की सब्जियाँ आप बनाएं घर में तो सब्जियों के रियल टेस्ट आते हैं। हमारे यहाँ तो मसाले चल रहे होते हैं सारे सिस्टम में। नहीं, अच्छा है यार। तो आप लोग जब भी आए ये सब चीज़ें यहाँ ट्राई करें। करनी चाहिए ट्राई, करनी चाहिए ट्राई, क्योंकि जो है ना वो जिसे कहना चाहिए कि हर जगह का वहाँ का टेस्ट लेना चाहिए। और ये बहुत, अभी इसके हम आपको प्राइस भी बताते हैं ब्रेकफास्ट की। अली भाई कितने का हुआ होगा टोटली? ऑलमोस्ट 2 कप हमने चाय ली है और देन हमने स्मित ली है और 2 ब्रेड। ये 15-20 से ज़्यादा का नहीं है। 15-20 लीरा में मज़े हैं। हाँ, आप देखें ना, चॉकलेट वाला है, ये सादा है, ये स्मित है। स्मित भी 4-5 रुपए का भोग है, पहले तो और सस्ता। बिल्कुल, पहले 3 रुपए या 2 रुपए का था। चाय 4-5 रुपए की चल रही, पहले 3-4 की थी, अब 5-6-7 की हो गई होगी। बिल्कुल, ये इस तरह नॉर्मल सा है। So that's how, it's like local lifestyle। और ये देख लें आप, चीप भी है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा। एक हमने आपको वो नाश्ता बुरसा जाते हुए दिखाया था, कवाटी वाला, वो एक अलग, वो एक अलग लेवल था, ये एक अलग लेवल है। तो दोनों चीज़ों को आपको बताने का मकसद ये है कि
इस तरह भी आप सरवाइव कर सकते हैं यार। सही है, 15-20 लीरा में भी नाश्ता हो रहा है। खैर, वीडियो बनाने का मेन मकसद जो ये था, जो हमारा टाइटल है वीडियो का, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्की प्लस लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले तो लैंग्वेज ही आपकी एक बहुत बड़ी स्किल हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ का माहौल यूरोप के स्टाइल का है। यूरोप में भी लोग जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं पहले। यहाँ भी यही है कि अगर आपको कामयाब होना है, जॉब रिलेटेड बात करूँ मैं, जॉब रिलेटेड लोग बहुत से लोग होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टी रखते हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, कॉल सेंटर्स में हैं, आप दूसरी जगहों के ऊपर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर हैं, या आप टेक्निकल साइड पे आ जाएं। इवन दो कि मैं कहूँगा कि प्लम्बर्स और जो है ना, ये इलेक्ट्रीशियन और ये चीज़ें भी, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि यहाँ लेबर महंगी है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और वाइट कॉलर जॉब भी है। चीनी देखें आप, यहाँ चीनी ऐसी होती है, और साथ साथ बातें भी चल रही हैं हमारा, और नाश्ता भी चल रहा है। खैर, अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं फिर आपको, और आपको अभी अब यहाँ से नूरुद्दीन के ऑफिस जाएंगे। हाँ, उस दिन मिले नहीं थे हमसे। हाँ, तो थोड़ा सा नूरुद्दीन से भी हेलो हाय करते हैं, और साथ साथ एक ग्रैंड डिस्कशन करेंगे हम लोग आज के टॉपिक में। बिल्कुल। कि फैमिली सेटलमेंट के हवाले से स्किल्स की, कौन कौन सी स्किल्स आप यहाँ सीख कर आए, लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी बातें होंगी वीडियो में इंशाल्लाह ताला। जनरल नॉलेज की ये वीडियो है टर्की के हवाले से, तो वीडियो को लाजमी शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट भी लाजमी करा करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन आती है। बिल्कुल ऐसे। और अभी हम नाश्ता फिनिश कर लें, तो फिर मिला हुए आपसे बातें करते हुए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, कितना बिल बना? सर 33 बना है। 33 लीरा। हाँ, क्योंकि ये नाश्ते का सेटअप होता है भैया, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा नाश्ता होता है। 33 लीरा बिल बना है, और अभी अली भाई बिल दे के आ रहे हैं बाहर, और अब बाय वॉक आपको फिर सारा सिनेरियो बताते हैं यहाँ। हाँ भाई, अली भाई नाश्ता वाश्ता हो गया सर? अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता सेट हो गया। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और सर्दियों में इस्तांबुल का वाकई में मज़ा है। क्योंकि इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पड़ी थी इस्तांबुल में, तो वो सर्दी भी उसी लिहाज से पड़ेगी, और ऐसी ऐसी गर्मी पड़ी थी कि हार्ट अटैक आ रहे थे। याद है आपको गर्मी सर? बहुत ज़्यादा। वो सूरज का जो है ना, एकदम इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ रहा होता है। बिल्कुल, विदाउट एनी पोल्यूशन। असल में पोल्यूशन नहीं है, तो सूरज बहुत तेज है। बिल्कुल। तो ब्लैक ब्लैक पहन के आप निकले ना अगर गर्मियों में, ऐसा होता है, तो फुल सीन हो जाता है जबरदस्त वाला। खैर, अभी हम राइट नाउ ऑन द वे हैं नूरुद्दीन से मुलाकात करने जा रहे हैं हम, तो उनसे भी आपको मुलाकात करवाएंगे, और उनसे ज़रा रियल इस्टेट वगैरह की मालूमात भी देंगे आपको, क्या चल रहा है आजकल मार्केट वगैरह, और इस्तिकलाल का जो स्ट्रीट इवेंट हुआ था उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा भाई, हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि बेसिकली टर्की आप लोग आए तो सबसे पहले आपके पास फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए अच्छी, लाइक यू नीड एटलीस्ट $1,00,000 फॉर फैमिली सेटलमेंट हेयर, ताकि $75,000 तक की आप प्रॉपर्टी लेके उसको आप फर्निश भी करेंगे, TRC भी बनवाएंगे, तो आपके पास मिनिमम $1,00,000 होना चाहिए, और $1,00,000 से कम वाले हजरात ना आए, क्योंकि हम बहुत सारे सिनेरियोज देख चुके हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है फिर यहाँ आके, तो फाइनेंशियल पावर के साथ आए। सेकंड चीज़, आप लोग को स्किल सीख कर आनी है, लाइक अगर आपके बच्चे आ रहे हैं तो कोई ना कोई स्किल्स उनके हाथ में होनी चाहिए। जैसे मैं अपने घर में एग्जांपल दे दूँ, मेरे एक छोटे भाई हैं, उनको अडोब फोटोशॉप और अडोब प्रीमियर वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं। बिल्कुल, उसका रिलेशन भी तो फोटोग्राफी से रहा है ना, और उसका पैशन भी था। बिल्कुल। और तो उसने वही रिलेटेड चीज़ें सीखी भी। बिल्कुल। उसको बस तस्वीर खींचना तो नहीं ना, उसको सब चीज़ें एडिट करके पब्लिश करना, सब चीज़ों में आना चाहिए। बिल्कुल। वो फोटोशॉप अगर आपको यहाँ आता है, बताने का मकसद ये है अली भाई कि फोटोशॉप एक स्किल है बहुत, क्योंकि हर किसी को नहीं आता है फुल चलाना। बिल्कुल। तो अगर आप ये सीख कर भी आते हैं तो भाई यहाँ 8-10 हज़ार लीरे की जॉब मिल सकती है आपको अच्छी, मगर साथ में लैंग्वेज जरूर हो। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, लैंग्वेज जरूर। हम अपनी लास्ट वीडियो में भी बोल चुके हैं कि विदाउट लैंग्वेज आपका सर्वाइवल यहाँ मुश्किल है, आप एक तरीके से घूंगे बहरे हैं, ना आप किसी को कुछ समझा सकते हैं, नहीं कुछ भी नहीं ना आप किसी को कुछ बता सकते हैं। डेली डेली जो रूटीन होती है उसमें आदमी ग्रोसरी वॉसरी कर रहा होता है तो आदमी ट्रांसलेटर के साथ कुछ ना कुछ कर लेता है। बिल्कुल। मगर ये जब आप वर्किंग कंडीशंस में आते हैं तो आपके साथ जो दूसरे काम करने वाले हैं वो डेफिनेटली टर्किश ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ कन्वर्सेट करना, सब चीज़ें करना, वो एक ज़रूरी है कि जो आपको लैंग्वेज आती हो। बिल्कुल। और लैंग्वेज के साथ ये कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, वाइट कॉलर जॉब में भी
दूसरी भी अब यहाँ फिर आप बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं तो लैंग्वेज आप अब तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं बिल्कुल, बिल्कुल आप वहाँ से सीख के आ सकते हैं भाई आपको याद होगा पाकिस्तान में एक दफ़ा दौर चला था जिसमें चाइनीज सिखाई जा रही थी और लोग चाइनीज वहाँ से लोग कारोबार कर रहे थे बिल्कुल जाके मार्केट चाइना का कारोबार बड़ा चल रहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का और सारी चीज़ें अब यहाँ भी यही है बिल्कुल तुर्की के अंदर जाने यहाँ से अगर आपको चीज़ खरीदनी है मैन्युफैक्चरर के पास से होल सेलर के पास से आपको रेट बनाना है आपको रेट करना है आपको शिपिंग करनी है एक्सपोर्ट करना है तो उसको सब क्राइटेरिया आपको पता होगा लैंग्वेज आती होगी तो आप समझ सकेंगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है तो ये चीज़ें हैं और दूसरा यहाँ स्किल के अंदर जो है ना आप ये देखें कि यहाँ लेबर बड़ी महंगी है जैसे बाहर मुल्कों में होता है यूरोप लंदन हम कनाडा वगैरह में ये प्लम्बर हो गए इलेक्ट्रीशियंस हो गए और ये चीज़ें मगर ये है कि उसके साथ आपको लैंग्वेज आए बिल्कुल लैंग्वेज आएगी तो आप तो भाई अगर आपको लैंग्वेज आती है आप यहाँ आके अपना फेसबुक पे पेज बना लें बिल्कुल सही है आपके पास ये स्किल है अगर आपको टेक्निकल काम आते हैं और तो आप फेसबुक पे पेज बना के लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप क्यूरीज सॉल्व करें बिल्कुल और जाएं पैसे कमाएं पैसे कमाएं सही बात है मैं जब शुरू शुरू में आया था मैंने एक रियल एस्टेट पर बैठ के देखा था यहाँ बहुत कंप्लेंट्स आती है क्योंकि कंज्यूमर लेवल बहुत हाई है यहाँ बिल्कुल तो कंप्लेंट्स बहुत आती है गैस का चूल्हा खराब हो गया है कॉम्बी में प्रॉब्लम आ गया है मेन प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कनाडा अमेरिका में पाकिस्तानी बहुत सारे इस तरीके से पैसे कमाते हैं बहुत ज़्यादा आप मैं बताऊँ कनाडा के अंदर तो और दूसरी जगहों पे ये जो की मेकिंग बिल्कुल लोगों ने अपनी वैंस ली हुई है वैंस के अंदर जो है ना की की पूरी वो बनाई हुई है शॉप बिल्कुल और वो कॉल के ऊपर आते हैं और कॉल के ऊपर आके उसके बाद जो है वो अपना करके निकल जाते हैं और अपनी चार्जेस ले लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है तो वही बात है लैंग्वेज की बात है बिल्कुल ऐसे कि लैंग्वेज जो है वो बहुत एक यहाँ का एसेंशियल टूल है बिल्कुल ऐसे ही तो आपको लैंग्वेज भाई लाजमी आनी चाहिए सो गाइस हम पहुँच गए हैं अभी नूरुद्दीन के ऑफिस बिल्कुल और क्या और अब हम लोग जा रहे हैं एक क्लाइंट आ रहा है उसको सुल्तान मुराद का अपार्टमेंट विजिट कराना है सही बेसिकली दो क्लाइंट हैं तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने मोबाइल ऑफिस में किस तरह वर्क करते हैं यस दिस इज आवर मोबाइल ऑफिस आप चेक करें यूजल आबे इज हियर हेलो यूजल हेलो हाउ आर यू नसलसन वेरी गुड वेरी गुड नूरुद्दीन इज हियर हेलो नूरुद्दीन हाय हाय गाइस तो भाई अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी और रियल एस्टेट देखें अच्छे चल रहा है क्लाइंट्स लाइन भी आ रहे हैं बिल्कुल और अभी हम जा रहे हैं सुल्तान मुराद में अपार्टमेंट विजिट कराने और साथ साथ नूरुद्दीन से ज़रा रियल एस्टेट की बात बात भी करेंगे तो चलते हैं ऑन द वे और बातें शातें भी चलती रहेंगी साथ साथ व्लॉग लाजमी लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब भी करें हेलो ब्रदर तो चलें भाई सर लेट्स गो बैठे सर वेल गाइस अभी हम लोग अपने विजिट साइट के ऊपर आ चुके हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द क्लाइंट और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अपनी मोबाइल ऑफिस के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं नूरुद्दीन हमारे साथ हैं हसनैन भाई हमारे साथ हैं तो अभी बस हम क्लाइंट का वेट कर रहे हैं ताकि उनका अपॉइंटमेंट एक सेट हुआ हुआ था इज़ ऑन वे और इस सिलसिले में हम कुछ और बातें भी विजिट के हिसाब से करेंगे क्लाइंट के प्रॉपर्टी के लिहाज से खास तौर पे विद द नूरुद्दीन रिगार्डिंग द न्यू सिचुएशन एंड ऑल आफ्टर द इंसिडेंट सो नूरुद्दीन टेल अस अबाउट द प्रॉपर्टी आइडिया अबाउट आफ्टर तस्कीम इंसिडेंट यस एंड वेरी बैड सिचुएशन दिस इज टर्की इज स्ट्रॉन्ग कंट्री Very nice. Our security force will always prevent such attack. Okay. And now they are working on it. They have clear all the thing. Yes. Now life in Turkey in Istanbul continues as normal. Okay. Yes. Okay. Inspection are carry. Okay, now inspection is closed. They have clear all the area. Yes. And yes. Search operation is done. And yes. People are on the normal life. Yes, so one day later, all people living normal. Oh, in 24 hours. Means the government is really working hard. Yes, yes. So now people are in the normal mode. They are going and having the tourist area is open for everyone now. Yes, all area open and life more. Okay. No problem. And security height. Security is high. Yes. Relax. No problem. Relax. All time Turkey security country. Okay. Secure country. Yes. Police very hard
working. Right, right. So what is the impact after this incident on the property? People are asking us about the property we should come or buy or not. So what is your idea? What is the property is now in Istanbul? Yes, now is good time. Okay. Because now all house price stable. Stable, okay. Yes, not up. Okay. Maybe next year, 3 months, 2 months later, very high. But right. Now stable. Stable. And good selection. Turkey, very good area, have okay. area. So you were talking about new area, Evjilar. That property yes. is now going yes. to start in Evjilar as well. And so what is the idea about Evjilar? Evjilar. And different location because lake and sea between. Okay, Evjilar is located between the Sahel and the lake. Yes, one side lake view, one okay. side sea view, and middle main road. Metrobus. Metrobus, yes. Okay, okay, okay. So that will be a good location yes. for investment. And new renovated location. A new created location, okay, and living good people, right? Yes, right. Because people is height level. Okay, and what about the same procedure will be done because when you buy a property in Evjilar investment, so they will get a akamat card. Ikamet now no problem. Only on investment. Yes, investment and university. Students no problem open, but. Oh. Only problem rent. Uh-huh. Rent not open the residence. Okay. And one thing is that we should look after our documents as well. Yes. We check all the document and then we apply for other things. Yes, true. So, Nadreen, we wanted to tell you a little bit about the properties that are new areas nikal rahe hain. और नूरुद्दीन ने जिस तरह बताया कि एफजिलार में इस वक्त वर्किंग स्टार्ट हुई भी है और लेटर ऑन नूरुद्दीन के साथ हम लोग दूसरी सिटीज़ भी विज़िट करने के लिए इरादे में जैसे लोग अनातालिया के बारे में पूछते हैं अंकारा के बारे में पूछते हैं सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अनातालिया एंड इज़मीर तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोज़ वगैरह हम करेंगे और इन्फॉर्मेशन भी देंगे जैसे जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी क्योंकि आपने देखा है कि हमारी वर्किंग जो है इट्स ऑन प्रैक्टिकल बेसिस व्हेन वी गॉट अ प्रॉपर्टी इन सर्टेन एरिया लाइक कुछ बेकर को एक दूसरी जगहों पे तो हम उसी लिहाज से वीडियोज़ अपलोड कर रहे होते हैं हमारे अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ तो हसनैन भाई आप ज़रा बताएं इस पूरे सिनेरियो के बारे में कि आपको क्या फील हुआ है कि आफ्टर इंसिडेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह के क्योंकि आप क्यूरीज हैंडल कर रहे होते हैं आपसे बातें हो रही होती हैं लोगों की तो क्या आप कहते हैं इस बारे में वेल एक्चुअली अभी भाई ऑल इज़ गुड हेयर हम तो 1.5 साल से यहाँ टर्की इस्तंबुल में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और फैमिली एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है सारी चीज़ें अच्छी हैं बस ये इस्तकलाल का जो इवेंट हुआ है जैसे कि आप लोग ने देखा है एज नूरुद्दीन इज़ अ लोकल हेयर ही इज़ सेइंग नो प्रॉब्लम All no business problem. Routine is going on there. Yes. Abhi bhi aap Istiklal street pe chale jaye to everyone is walking there like same before. To har tarike ke mamlaat waise hi rawa dawa hai aur ye chote mote hadsaat to hote rehte hain it's a part of life. To jo bhi log Turkey aana chahte hain there is our WhatsApp number Nuruddin is our Turkish partner here we are doing a real estate business here. और आपको अगर कंपनी फॉर्मेशन करनी हो इकामत प्रोसेस करवाना हो तो तमाम चीज़ों में आपको हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल मिलेगी और थैंक यू वेरी मच अली भाई सर फॉर बीइंग अ पार्टनर विद मी वी आर रनिंग अ कंपनी हियर अली ग्रुप इंटरप्राइजेस एंड अली भाई इज़ आवर मैनेजिंग डायरेक्टर हियर नूरुद्दीन इज़ हियर थैंक यू वेरी मच नूरुद्दीन और जितनी भी पाकिस्तान से इंडिया से हमें फैमिलीज देख रही हैं दे कैन कम हेयर और हमसे आप मुलाकात कर सकते हैं हमारे ऑफिस भी हैं यहाँ और हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे देंगे फैमिली कंसल्टेंसी के हवाले से उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ शुरू में एचआर भी हम मार्केटिंग भी हम सेल्स भी हम ब्रांडिंग भी हम सरदारी भी हम मजदूर भी हम सब कुछ हम नो कोई साथ नहीं होता आप समझा ही नहीं सकते अगले को